हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एसी और डीसी करंट क्या होता है और इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानेंगे एसी करंट के बारे में। फ्रेंड्स, एसी करंट की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। भाई हिंदी में इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भाई फ्रेंड्स, बात करें इसकी परिभाषा की, तो एसी की जो परिभाषा होती है, यानी ऐसी विद्युत धारा जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हों, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम बात करें, ये हमारा डायग्राम है, इसमें क्या है, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा बह रही है और इसका फ्रेंड्स जो क्रम है, कैसा क्रम है, यानी प्लस और माइनस चार्ज के क्रम में बह रही है। तो यह एक तरंग के रूप में बहती है, इसीलिए हम इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वहीं फ्रेंड्स, बात करें बिजली घरों से, जो हमारे घरों तक लाइट या करंट पहुंचता है, यानी वो करंट कौन सा होता है, तो वो भी हमारा एसी करंट होता है। तो अब हम फ्रेंड्स जानते हैं डीसी करंट के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करें डीसी की, तो डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। भाई हिंदी में इसको प्रत्यक्ष धारा या फिर दिष्ट धारा कहते हैं। वहीं फ्रेंड्स, परिभाषा की बात करें, तो ऐसी विद्युत धारा जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित ना हो, उस धारा को या फिर उस करंट को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष धारा या फिर डीसी कहते हैं। वहीं फ्रेंड्स, हम बात करें, तो मान के चलिए ये है टाइम, जिस टाइम में करंट बह रहा है, और वहीं बात करें ये वाली जो लाइन है, ये क्या शो कर रही है, इसकी दिशा को। तो फ्रेंड्स, यहां जो दिशा है करंट की कैसी है, एक समान है, और कैसे बह रही है, एक समान रूप में बह रही है। तो यहां हम कह सकते हैं कि हमारी प्रत्यक्ष धारा है वह कैसे बहती है, तो यह एक समान रूप से बहती है। वहीं फ्रेंड्स, बात करें हमारी जो बैटरीज होती है, इनमें कौन सी करंट स्टोरेज होती है, तो इनमें डीसी करंट स्टोरेज होती है। और भाई फ्रेंड्स, हम बात करें एसी और डीसी में अंतर क्या होता है, तो जान लेते हैं फ्रेंड्स एसी और डीसी करंट में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसी, यानी एसी करंट की। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एसी करंट है, इसको हम अधिक दूरी या फिर एक शहर से दूसरे शहर तक स्थानांतरण करने के लिए करते हैं। यानी फ्रेंड्स, एसी करंट को एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें करंट को बिना ऊर्जा हानि के स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स, आप ये पोल देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, एसी करंट एक पोल से दूसरे पोल, दूसरे पोल से तीसरे पोल, और ऐसे ही ये सीक्वेंस बना रहता है। वही फ्रेंड्स, हम डीसी के केस में बात करें, तो डीसी को अधिक दूरी तक स्थानांतरण नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि डीसी को अधिक दूरी तक स्थानांतरण करने पर इसमें ऊर्जा की हानि होती है, यानी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं स्थानांतरण किया जाता। अगला अंतर क्या है एसी और डीसी के बारे में, तो अगला अंतर है फ्रेंड्स, एसी का उपयोग घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है आदि में किया जाता है। और भाई फ्रेंड्स, हम बात करें डीसी करंट की, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में बैटरीज लगी होती है, और वो बैटरीज किसका स्टोरेज करती है, तो डीसी करंट का स्टोरेज करती है। वहीं फ्रेंड्स, अगले अंतर की बात करें हम, तो जो हमारा एसी करंट है, यानी एसी को उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। भाई फ्रेंड्स, डीसी को उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, तो डायनमो का उपयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स, एसी को कैसे उत्पन्न किया जाता है समझते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, जो बांध बने होते हैं उन पे पानी को रोककर एक टरबाइन पर गिराया जाता है, और भाई फ्रेंड्स, टरबाइन को एक बेल्ट से जोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा अल्टरनेटर घूमता है और उसी से हमारी एसी करंट उत्पन्न होती है। भाई फ्रेंड्स, हम बात करें डीसी के केस में, तो हमारा जो जनरेटर होता है फ्रेंड्स, इसमें अगर हम डायनमो का यूज करें, तो जो हमारा कौन सा करंट उत्पन्न होगा, हमारा उस समय डीसी करंट उत्पन्न होगा,
और वही फ्रेंड्स जनरेटर के साथ अल्टरनेटर को जोड़ दिया जाए तो वहां कौन सा करंट उत्पन्न हो जाएगा, तो वहां एसी करंट उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स आप जान चुके होंगे कि एसी और डीसी को कैसे उत्पन्न किया जाता है। वही फ्रेंड्स अगला मुख्य अंतर है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए फ्रेंड्स किसका उपयोग किया जाता है, तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए डायोड या फिर रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर या फिर डायोड का उपयोग किया जाता है। और वहीं फ्रेंड्स हम बात करें डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मोस्टली इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो इन्वर्टर होता है ये सीधे क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, जिससे हम अपने घरेलू उपकरण जैसे कि पंखा है, टीवी है, कूलर है इत्यादि चलाते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।